नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। दिवाकर भौजी, गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहां मिलेगी फैंसी ड्रेस, जीन्स टॉप, लेगी कुर्ता प्लाजो कुर्ता, वो भी नए नए डिजाइन में, एक बार अवश्य बता रहे। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह के मुस्किमावा के समीप बीते दिनों एक दुखद घटनाक्रम सामने आया था, जहां 5 बच्चियों के सिर से पिता का साया उड़ गया था। एक युवक के द्वारा बेरोजगारी से की तंगी से आकर आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिनके पीछे 5 बच्चियों को छोड़ गया था। वहीं इस परिवार में अब उनके दादाजी के अलावा कोई भी नहीं है। माताजी घर का काम करती हैं, जिसके बाद दमोह की सिविल सोसाइटी की के द्वारा इन बच्चियों के लिए एक राशि एकत्रित की गई और निर्धन परिवार को भेंट की गई। सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठे होकर उन बच्चियों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सहयोग राशि भेंट की गई। वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दमोह जिले के 3 डॉक्टरों के द्वारा जिंदगी भर इन बच्चियों का फ्री इलाज व इन्हें फ्री दवा देने की बात भी इनके द्वारा कही गई है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा उनके घर पहुंचकर उनकी माता को यह राशि सौंपी गई व कहा गया कि इन बच्चियों के कार्यों में यह राशि खर्च की जाए। अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो सके, खर्च करना। 3 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने आपकी बच्चियों का, इन बच्चियों का जिंदगी भर के लिए, उनको बुला दो, उनकी बच्चियों की मम्मी को बुला दो, उनको बता दो। बेटा 3 डॉक्टर ऐसे हैं दमों के, बड़े डॉक्टर हैं, जैसे दिवाकर पटेल हुए, जलज बजाज और क्या नाम उनका, अरे डॉक्टर विक्रांत। इन तीनों ने बोला है कि इनका जब तक वो जिंदा रहेंगे डॉक्टर, ये जिस दिन भी हमारे क्लिनिक प्राइवेट क्लिनिक में आएंगे तो इनकी जांच, इवन जो भी इनकी दवाई भी होगी, दवाई का भी पैसा इन बच्चों को जिंदगी में नहीं लगेगा। तो हम वो तीनों डॉक्टर के आपको नंबर दे रहे हैं, उनने ये वीडियो बनवाने के लिए बोला कि बच्चों का चेहरा हमें देखना है, कि जब भी जो भी जरूरत पड़ेगी वो तीनों डॉक्टर आपकी मतलब यहाँ घर पर आके भी इलाज करेंगे, ना दवाई का पैसा लेगा आपको जिंदगी में कभी, ना फीस लेंगे और जाँचें जितनी होती हैं और जाँचें भी फ्री कराई जाएंगी। ये हमारी टीम में वो डॉक्टर भी हैं। मामला था, कैसे पता चला था और क्या कुछ सहायता आप लोगों ने दी? पेपर न्यूज़ में एक दिन सुना था कि एक व्यक्ति ने यहाँ सुसाइड किया है इस मोहल्ले में, 5 बच्चियाँ छोटी छोटी उनकी, तो वो देख के मन बड़ा द्रवित हुआ। फिर हम लोगों की जो सिविल सोसाइटी है उसके सारे सदस्य हैं, सब अच्छे लोग हैं, सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि हमसे जो कुछ भी बन सकेगा इन 5 बच्चियों के लिए, वो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा अंशदान अपना इकट्ठा किया और फिर आज आके बच्ची की माँ के हाथ में दिया कि वो इन पैसों का सदुपयोग करें और दूसरी सामाजिक प्रथाओं में, उन चीज़ों में खर्च ना करते हुए बच्चों की पढ़ाई या उनके अच्छे पोषण में वो चीज़ खर्च करें। तो यही था हमारी सिविल सोसाइटी का उद्देश्य। आज हम लोग एक जो सज्जन थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनकी 5 बच्चियाँ हैं, उनकी सहायता के लिए हम लोग सिविल सोसाइटी के सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से जो सहयोग किया है उसके लिए लड़की की माँ को एक अंशदान देने आए थे, जो कि लगभग 50,000 रुपये के लगभग है हम लोगों का, और हमारी सिविल सोसाइटी इसी तरह के कार्य करती है।